हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एंजाइना पैक्टोरिस एंजाइना पैक्टोरिस की जो मेडिकल टर्म है फॉर द कंडीशन ऑफ ए चेस्ट पेन कि जब आपके सीने में दर्द होता है कि जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है एंजाइना पैक्टोरिस तो वो होने के जो रीज़न्स हम कहते हैं कि उस कौन से रीजन्स के कारण आपको चेस्ट पेन होता है कि जिसको हम कहते हैं कोजिस फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि कौन से साइन एंड कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं एंजाइना पैक्टोरिस के अंदर एंड कौन से मेडिसिन से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो ये डिटेल स्टडी करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस तो यहाँ पे जो हम कुछ मेडिकेशंस देख रहे हैं टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग टू तो उसमें एटेनोनॉल यूज किया जाता है फिर वेरापामिल, निकोरंडिल टैबलेट्स एज वेल एज नाइट्रोग्लिसरीन की सब लिंगल टैबलेट्स पेशेंट को दिए जाते हैं कि जब उनको चेस्ट पेन होता है ड्यू टू द एंजाइना पैक्टोरिस तो हिंदी में उसको हम कहते हैं सीने में दर्द होना क्या आपके सीने में जो दर्द होता है तो उसको हम चेस्ट पेन कहते हैं और मेडिकल टर्म है उसके लिए एंजाइना पैक्टोरिस सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑग्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन फार्मा रॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो मस्ट डाउनलोड दामा रॉक्स एंड लर्न ऑनलाइन थ्रू अवर वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज ऑन फार्मारोक्स मोबाइल एप्लीकेशन तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज द एंजाइना पैक्टोरिस तो एंजाइना पैक्टोरिस इज द मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन तो ये है सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस तो जो मेडिकल टर्म है फॉर द चेस्ट पेन और डिसकंफर्ट ड्यू टू द कोरोनरी हार्ट कि कोरोनरी हार्ट डिजीज जब किसी पेशेंट को होता है तो उसके अंदर एक सिम्टम डेवलप होता है दैट इज द चेस्ट पेन और उसके कारण जो एक पूरी कंडीशन डेवलप होती है उसको हम कहते हैं एंजाइना पैक्टोरिस तो इट अकर्स वेन द हार्ट मसल डजेंट गेट एज मच ब्लड एज दे नीड कि हमारे जो हार्ट मसल्स होते हैं उनको जितना ब्लड चाहिए उतना प्रॉपर सप्लाई उनको नहीं मिलता तो उसके कारण क्या होता है कि इम्बैलेंस uh, होता है ऑक्सीजन जितना उनको चाहिए एज वेल एज ब्लड चाहिए बिकॉज हमारे जो हार्ट मसल्स होते हैं और जो हमारा हार्ट है उसका जो मेन रिक्वायरमेंट हम कहें तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा है तो हार्ट की रिक्वायरमेंट्स हम कहें तो हार्ट को चाहिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए उसको प्रॉपरली पहले तो और ब्लड सप्लाई के साथ साथ जरूरी है उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना तो सप्लाई ऑफ ब्लड एज वेल एज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिस बोथ आर द नेसेसरी फॉर द हेल्दी फंक्शन ऑफ आवर हार्ट की हार्ट अच्छे से हेल्दी फंक्शन करे उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अच्छे से ब्लड मिलना और साथ में ऑक्सीजन मिलना तो जब हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता तो उसके कारण जो है वो कोरोनरी हार्ट डिसीज होती है और उसके अंदर एक सिम्टम है दैट इज़ द चेस्ट पेन कि जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर एंजाइना पैक्टोरिस तो आगे समझिए अब यही टॉपिक के अंदर कि दिस इज यूजली हैपन्स बिकॉज ऑफ वन और मोर ऑफ द हार्ट्स आर्टरीज इज नैरो और ब्लॉक दैट इज कॉल्ड आइकेमिया के मेडिकल टर्म है आइकेमिया फॉर द नैरोविंग और ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज कि जो अब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है या फिर हो जाती है नैरो तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है आइकेमिया की वो कंडीशन को हम आइकेमिया कहते हैं तो यहां पे समझिए क्या होता है एक्चुअली कि ये जो फर्स्ट है दैट इज द नॉर्मल ये जो डायग्राम है वो है ब्लड वेसल्स का ये है हमारी ब्लड वेसल्स कि जो प्रोवाइड करती है ब्लड टू द हार्ट कि जिसको हम कह सकते हैं चलो आर्टरी लिख देते हैं तो ये आपने लिख लिया कि आर्टरी है ये कि जो आगे जाके क्या होती है ब्लॉक होती है या फिर नैरो हो जाती है तो ये देखिए कंप्लीटली नॉर्मल कि वो प्रॉपर उसके साथ ब्लड जो है वो कैरी करती है और वो जो है आगे जाके जो हमारा हार्ट होगा हार्ट तक ये प्रॉपर अमाउंट में ब्लड और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन में जो ऑक्सीजन भी रहता है वो पहुंचाती है और जिसके कारण हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलता है एज वेल एज ब्लड भी मिलता है अब जब सेकंड कंडीशन में स्टार्ट हो गया है कि यह अब नैरो हो रही है ये काफी हो गई है नैरो तो जिसके कारण देखिए ये जो है यहां पे प्लेक फॉर्मेशन हुआ है कि जिसको हम कहते हैं ब्लॉकेज ये वाला देखिए आप ब्लॉकेज और ये ब्लॉकेज जो है वो वहां पे फैट हो सकता है फिर जो हम कहते हैं कोलेस्टेरॉल होता है वो हो सकता है एज वेल एज अदर सब्सटेंस की जो यहाँ पे ब्लॉक करते हैं आपकी आर्टरीज को आगे जाके ये ब्लॉकिंग और इंक्रीज होता है और यहाँ पे देखिए कि यहां पे समझो कि ब्लॉकेज को मैं यहां लिखता हूं नैरो ब्लॉकेज है नैरो ब्लॉकेज क्योंकि अभी कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ है नैरो है बट यहां पे फुल ब्लॉकेज आगे जाके, जाके कि देखिए यहां पे कोई आरबीसी आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं देर इज नो आरबीसी एंड नो ब्लड बिकॉज यहाँ से ही ये रास्ता जो है वो बंद हो गया है कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया है जिसके कारण ये तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग टू ये ब्लड जो है वो यहाँ से आगे फ्लो नहीं होगा तो उसका मतलब क्या हो कि आपकी जो आर्टरी से चाहे ब्लॉक हो गई है या फिर नैरो हो गई है कि जिसको हम कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज कि जब आपके बॉडी के अंदर काफ़ी फैट डिपोजिट होता है कोलेस्ट्रॉल और वो कोलेस्ट्रॉल और फैट जब आपके आर्टरीज़ के अंदर जमा होता है तो उसके कारण आगे जाके आपकी आर्टरीज़ की जो ब्लड वेसल्स है कि आपके हार्ट को अच्छे से प्रॉपर ब्लड पहुँचाने का काम करती है वो ब्लॉक हो जाती है और जितनी डिमांड रहती है हमारे हार्ट की वो डिमांड पूरी नहीं होती ऑक्सीजन एज वेल एज ब्लड की और जिसके कारण जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कोरोनरी हार्ट डिसीज और आगे जाके उसके अंदर जो सिम्टम डेवलप होते हैं दैट इज द चेस्ट पेन तो एंजाइना इज अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एंजना इज द चेस्ट पेन दैट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड कि अभी जो मैंने आपके बात की कि जो आपके हार्ट को प्रॉपरली चाहिए ऑक्सीजन और साथ में उसको चाहिए ब्लड सप्लाई तो चेस्ट पेन अकर्स ड्यू टू द इम्बेलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एंड ऑल्सो द ब्लड टू द हार्ट एंजाइन इज सिप्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज यहां पे स्पेशली जो आपकी आर्टरी है वो अफेक्ट होती है ये देखिए कि जो अभी मैंने आपको समझाया आर्टरी का कि जो ब्लड वेसल्स नैरो होती है और आगे जाके ब्लॉक होती है तो इन एंजाइना देर इज अ फिक्स एथेरोस्कैलरोटिक नेरो ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज़ कि जो हम एथेरोस्कैलोसिस कहते हैं कि जो कंडीशन कि जिसके अंदर आपके आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज होता है तो उसके कारण जो है वो चेस्ट पेन पेशेंट को होता है तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो सीने में दर्द हो रहा है पेशेंट को तो उसका रीजन हो सकता है कि उसके कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है या फिर वो नैरो हो गई है तो हाउ द चेस्ट पेन अकर्स तो यहां पे समझिए कि सबसे पहले तो इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड टू द हार्ट कि हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए और जितनी उसकी डिमांड है उसके कंपेयर में उसको कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है कि जिसकी उसको डिमांड है और जिसके कारण क्या होता है इम्बैलेंस हो जाता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई एंड डिमांड जो है हार्ट के सेकंड ब्लड फ्लो टू एंडोकार्डियम अकर्स मेनली ड्यूरिंग द डायस्ट्रॉल कि जब आपका हार्ट डायस्टल कंडीशन में होता है उस वक्त जो ब्लड फ्लो होता है टू एंडोकार्डियम्स जब पेशेंट रेस्ट में होता है और आप जब रेस्ट कंडीशन में होते हैं द पेशेंट डज नॉट डेवलप द पेन बिकॉज उस वक्त हार्ट भी आपका डायस्टोलिक मोड पे है रेस्ट मोड पे है तो उस वक्त आपको पेन नहीं होगा बिकॉज डिमांड इज ऑल्सो लेस विच कैन बी मीट इवन विथ रिड्यूस फ्लो कि फ्लो जब रिड्यूस होता है उस वक्त भी उस वक्त कि जो ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ है एज वेल एज ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो भी उस वक्त चलेगा बिकॉज जो आपका हार्ट है वो डायस्टोलिक मोड पे है सिस्टोलिक नहीं है डायस्टोलिक मतलब कि जो हम कहते हैं रेस्टिंग मोड पे है तो जब पेशेंट रेस्ट करता है मतलब कि एट द रेस्ट कि जब हार्ट रेस्ट में होता है ऐसा नहीं कि पेशेंट रेस्ट कर रहा हो जब हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में है मतलब कि डायस्टॉल पे है तो डायस्टॉल मोड पे पेशेंट को पेन जो है वो डेवलप नहीं होता बिकॉज डायस्टोल के दौरान जितनी डिमांड होती है वो डिमांड जब ब्लड फ्लो लो होता है तो भी फुलफिल हो ही जाता है बट सिस्टोलिक के दौरान जो है वो ज़्यादा ब्लड चाहिए तो उस वक्त जो है वो पेशेंट को जो है वो पेन होता है तो जब आप करते हैं एक्सरसाइज करते हैं और इमोशनल स्टिम मिली और मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज दैट रिजल्ट इन एंजाइनल पेन बिकॉज ब्लड सप्लाई इज फिक्स एंड कैन नॉट बी इंक्रीज ब्लड सप्लाई आपका फिक्स हो गया है या फिर रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज एज वेल एज a ब्लड वेसल्स तो शुरुआत में जो हमने देखा कि डायस्टॉल की जब हार्ट आपका रेस्ट पे है एज वेल एज समझे कि पेशेंट थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा हो या फिर उस हार्ट आपका डायस्टिल मोड पे है तो उस वक्त कम ऑक्सीजन होगा या फिर कम ब्लड फ्लो होगा तो भी पेशेंट को पेन नहीं होगा बट जब आप एक्सरसाइज करते हैं एज वेल एज़ कोई इमोशनल ऐसे स्टिम्युली है स्ट्रेस वगैरह है या फिर मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है आपके हार्ट के द्वारा तो उस वक्त पेशेंट को जो है वो हार्ट के अंदर पेन होता है बिकॉज हार्ट को जितने अमाउंट में ऑक्सीजन एज वेल एज जो ब्लड चाहिए वो नहीं मिल रहा है इम्बैलेंस है और वो इम्बैलेंस के कारण पेन जो है वो होता है टू मेजर स्ट्रेटर्जीज फॉर द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए दो स्ट्रेटर्जीज है कि आप हम प्रिवेंसन के भी स्टेप्स ले सकते हैं और साथ में ट्रीटमेंट तो दो जो मेजर स्ट्रेटर्जीज है उसमें से फर्स्ट स्ट्रेटर्जी हम देखे तो दैट इज डिक्रीज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को हम डिक्रीज कर सकते हैं और टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द आई कैम इंक्रीजन की जो हार्ट का जो रीजन है वहां पर आप ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर दीजिए तो ये एक स्ट्रैटर्जी आपकी फुलफिल हो ब्लड सप्लाई को आपने करवा दिया इंक्रीज और ब्लड सप्लाई इंक्रीज करवाने के लिए जरूर पड़ेगा कि आप आर्टरीज जो ब्लॉक है या फिर नैरो हो गई है उनको थोड़ा बहुत डायलेट करवाए या फिर सेकंड थिंग की जो ऑक्सीजन डिमांड है ऑक्सीजन की डिमांड को साथो साथ डिक्रीज करवाए कि ऐसे दो रीजंस के जिसके कारण पेन होता है वो दोनों रीजंस को हम यहाँ पे ट्रीट कर देंगे और जिसके कारण पेशेंट जो है वो रिलीफ फील करेगा तो ये बात हुई मेडिकेशंस या फिर प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट की उससे भी क्योर ना हो तो आगे जाके पेशेंट को सर्जरी भी करवानी पड़ती है कि जो ब्लॉकेज है वो सर्जरी करके हटाना पड़ता है जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है तो एंजाइना पैक्टोरिस के हम समझते हैं डिटेल में कोजिस कि कौन से ऐसे रीजन्स है कौन से ऐसे रीजन्स है कि जिनके कारण किसी भी पेशेंट को एंजाइना पैक्टोरिस होता है तो फर्स्ट रीजन दैट इज ने विंग ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू हार्ट क्या आपके हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स कि जिसको हम कहते हैं आर्टरी ये आर्टरी क्या हो जाती है नैरो हो जाती है या फिर आगे जाके ब्लॉक होती है तो आर्टरी के आप लेयर देखें तो एंडोथेलियम होता है फिर उसके अंदर लिपिड कैल्शियम एंड सेल्यूलर डेबरिस वगैरह समझो कि यहाँ पे एक्यूमलेट होते हैं कि जब आपके खाने के अंदर आपके फूड के अंदर अनहेल्दी डाइट से और अनहेल्दी डाइट्स के तौर पे आपके खाने में फैट एक्सेसिव अमाउंट में है एज वेल एज उसके कारण आपके बॉडी के अंदर कोलेस्टेरॉल ज़्यादा जा रहा है या फिर कोलेस्ट्रोल इंक्रीज हो रहा है फिर सेल्युलर जो डैब्रिस जो होता है सेल्युलर डैब्रिस जो हम कहते हैं या फिर जो सेल्युलर वेस्ट हम जो कहते हैं वो इंक्रीज होता है और वो सब यहां पे आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है जमा होते हैं तो ये जैसे शुरुआत में तो उसका थोड़ा लेयर होता है फिर लेयर उसके बढ़ते जाते हैं और आगे जाके वो फिर ब्लड वेसल्स के जो पाथवे है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं ब्लॉकेज और ये ब्लॉकेज के कारण जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है डिक्रीज तो उसकी जो कंडीशन है सेकंड रीजन दैट इज एथेरोस्कैलरोसिस मींस मीन्स बिल्डअप ऑफ फैट कोलेस्टेरॉल एंड

कि जिसके कारण भी पेशेंट को क्या होता है ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज तो ये नेरोविंग ऑफ ब्लड वेसल्स सेकंड दैट इज एथेरोसकेलरोसिस एंड थर्ड दैट इज कोरोनरी आर्टरी ये तीन जो हम कहे तो मेजर कॉजिस हम कह सकते हैं कैसे कोजिस मेजर कोजिस कि ये मेजर कोज है किसी भी पेशेंट को एंजाइना पैक्टोरिस होने का तो ये आर्टरी का नैरो एज ब्लॉक हो जाना इज द मेन मेजर कोज ऑफ ए एंजाइना पैक्टोरिस अब ये बात हुई कि नैरोविंग हो गई ब्लड वेसल पर ये ब्लड वेसल्स नैरो क्यों हो जाती है फैट कहाँ से आता है और क्यों ये क्यूमलेट होता है कोलेस्ट्रॉल हाँ से आता है या फिर सेल्यूलर डेब्रिज क्यों इंक्रीज होते हैं तो वो रीजन हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है दैट इज द लेक ऑफ एक्सरसाइज कि जो फैट इंक्रीज होता है वो किसके कारण तक तो एक्सरसाइज आप बहुत ही कम करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है सेडेंटरी लाइफ के दो इमेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इमेज नंबर वन देख सकते हैं और दिस इज द इमेज नंबर टू दिस बोथ आर द कंडीशन फॉर दिस वन कि लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पिक्चर्स के अंदर कि जो पेस जो पर्सन है उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी है मतलब कि एक ही जगह पे ज्यादा टाइम जो है वो पर्सन बैठा रहता है प्लस उसके डाइट के अंदर भी जो हम कहें तो अनहेल्दी डाइट है अनहेल्दी डाइट एक साइड आपके एक्सरसाइज आप कम करते हैं साथ में आपकी लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि जिसके कारण आपको एक्सरसाइज आपकी कम होती है तो इस टाइप की लाइफ स्टाइल के आप फूड भी ऐसा ले रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि जंक फूड जो है वो आप एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये सब आप यूज ना करें बट यूज़ करने के बाद समझो कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं सामने ऐसे आप प्रिकॉशंस भी लेते हैं तो जिसके कारण जो है वो आपकी हेल्थीनेस बनी रहती है बट इसका आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज करें सभी टाइप के जंक फूड का एज वेल एज आप जो है आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी बना देते हैं कि आपके लाइफ में एक्टिवनेस बहुत कम है और बैठे रहना ज्यादा होता है एक्सरसाइज एकदम रिड्यूस हो जाए या फिर देर इज नो एक्सरसाइज इन योर लाइफ और एक्सरसाइज में ऐसा नहीं कि आप कहीं जिम में जाके कसरत करें या फिर और किसी और तरह से आप करें बट समझो कि नॉर्मल आपका वॉकिंग भी होता है तो भी वो एक टाइप की एक्सरसाइज ही कही जाएगी या फिर आप जो है वो थोड़ा बहुत रनिंग करते हैं साइकिलिंग करते हैं तो वो भी आपकी एक एक्सरसाइज ही कही जाएगी तो आ, प्रिवेंशन यही पे है यही स्लाइड्स के अंदर कि जब आप इस टाइप के फूड यूज करें तो भी सामने एक्सरसाइज करें अच्छा हेल्दी डाइट लें और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी से निकाल के एक्टिव लाइफ स्टाइल बना कि जिसके अंदर एक्सरसाइज भी इंक्लूड हो प्रॉपर रनिंग करें आप थोड़ा बहुत वॉकिंग करें और हेल्दी खाना खाए कि जिससे आपके जो आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल या फिर जो हम कहते हैं फैट वो डिपोजिट ना हो बिकॉज यहाँ पे सेकंड स्लाइड में आप रीड करिए कि क्या लिखा है कि अनहेल्दी डाइट इंक्रीज द डिपोजिट ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल्स ऑफ आर्टरी एंड नैरो ब्लड वेसल्स कि ब्लड वेसल्स को यह नैरो कर देती है और कोलेस्ट्रॉल और जो हम कहते हैं फैट डिपोजिट होता जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर तो इसको कंप्लीटली जो है वो एवॉइड करना चाहिए फॉर द प्रिवेंशन तो ये है एंजाइना के कोजिस अब समझते हैं अच्छे से उसके सिम्टम्स तो सिम्टम्स को आप लोकेशन वाइज समझिए तो सबसे पहले तो चेस्ट पेन इज द मेन सिम्टम ऑफ द एंजाइना पैक्टोरिस और उसी के कारण इसको हम मेनली ही कहते हैं कि चेस्ट पेन का जो प्रॉब्लम हम कहते हैं सीने में दर्द तो ये जो सेंटर पोर्सन है आपका तो वहां पे आपको होता है पेन तो चेस्ट का पोर्सन और डिसकम्फर्ट ऑफन डिस्क्राइब एज अ स्की प्रेसर कि जो हम कहते हैं कि स्कीर जो डेवलप होता है दैट टाइप कंडीशन देन फुलनेस टाइटनेस औरवी वेट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कि जैसे आपके सीने में काफी कुछ भारीपन जैसा हो ऐसा फील होता है टाइटनेस फील होती है फुलनेस फील होती है और समझो कि वहां पे कुछ प्रेशर फील हो रहा हो दैट टाइप कंडीशन इज प्रोड्यूसिंग एंजाइना पैक्टोरिस फिर पेन और डिस्कम्फर्ट इन आर्म्स आपके जो आर्म्स है वहां पे कि जो आर्म्स का जो पोर्सन है वहां पे पेशेंट को पेन होता है एज वेल एज डिसकंफर्ट होता है एज वेल एज नेक का पोर्सन आपके जो का पोर्सन शोल्डर एंड बैक पोर्सन की शोल्डर एयर बैक पेन सिमिलर टू इनडाइजेसन और हार्ट बर्न तो अपर एब्डोमिन पे यहाँ पे जो पेन होता है तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कई बार कि पेन जो है वो ड्यू टू द इन डाइजेशन है कि जो गैस ट्रबल कहते हैं उसमें भी आपको चेस्ट पेन होता है एज वेल एज जो हार्ट बर्न होता है हाइपर एसिडिटी के कारण तो जरूरी है प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करवा लेना बिकॉज आप ऐसा समझते रहे कि आपको गैस ट्रबल के कारण या फिर आ, हार्ट बर्न के कारण चेस्ट पेन हो रहा है तो इसको लाइटली ले ने ने ना चाहिए, लेना चाहिए तुरंत जो है करवा लेना चाहिए डायग्नोसिस क्योंकि डायग्नोसिस से ही पता चलेगा कि जो चेस्ट पेन है उसका मेन रीजन क्या है अगर रीजन इनडाइजेशन या फिर हार्ट बर्न निकलता है तो आप उस तरह से ट्रीटमेंट करवा के एसिडिटी की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं इनडाइजेशन का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं बट समझो कि उसके रीजन्स ये निकलते हैं कि एंजाइना से आपको तो उस टाइप के प्रॉपर आपको फिर आगे ट्रीटमेंट चाहिए फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टायर्डनेस भी होता है पेशेंट को इन दिस चेस्ट पेन तो यह है सिम्टम्स अब आगे जो बात की हमने कि पेशेंट को नोजिया भी जैसा भी लगता है स्वेटिंग पसीना होता है एंड डिजीनेस होती है वो भी सिम्टम्स जो है वो कुछ पेशेंट्स के अंदर देखे जाते हैं तो अभी जो बात की उस तरह से प्रॉपर तुरंत डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए ऐसे सिम्टम्स हो तो द फर्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जिसको हम कहते हैं इसीजी करवाना कि तुरंत आप कार्डियोलॉजिस्ट को अच्छे से कंसल्ट करके आपका ईसीजी करवा डॉक्टर को आप बता के अच्छे से आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं है, कि जिसको हम कहते हैं इसीजी कि पे देखिए ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू जो है वो आप करवा सकते हैं सेकंड दैट इज एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है बिकॉज एक रीज़न है कि स्ट्रेस के कारण भी कई बार चेस्ट पेन होता है एंजाइना होता है तो वो एक रीज़न कन्फर्म करने के लिए एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी परफॉर्म की जाती है देन इकोकार्डियोग्राम कार्डियोग्राम कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एको कार्डियोग्राम के ट्रांसड्यूसर जो है वो आपके हार्ट के पास रख के इको कार्डियोग्राम निकाला जाता है कि जो हम कई बार कहते हैं कि इको किया जाता है तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इको कार्डियोग्राम फिर चेस्ट एक्सरे भी निकाला जाता है पेशेंट का फॉर द डायग्नोसिस फिर कॉरोनरी एंजियोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है कॉम्प्यूटराइज टोमोग्राफी की जिसको हम कहते हैं सिटी स्कैन एंड फॉर्थ डेट इज एम आर आई तो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं दिस वन कि ये वाला कि कोरोनरी एंजियोग्राफी कि जिससे आपको ये जो प्रॉपर ब्लड वेसल्स एंजियोग्राफी से पता चलता है और कहा और कोई प्लेस पे समझो कि ब्लॉकेज हो तो वो भी आपको पता चलता है ड्यू टू दिस एंजियोग्राफी तो ये है डायग्नोसिस uh, के फीचर्स अब बात करते हैं मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के बारे में तो फॉलोइंग आर द मेडिकेशंस विच आर यूज टू ट्रीट द एंजाइना दैट आर नाइट्रेट्स एस्पिरिन बीटा ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स फिर ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशंस रेनोलाज़ रेनोलाजिन की जिसका ब्रांड नेम रेनेक्सा है एज वेल एज स्टेटिन्स भी पेशेंट को दिए जाते हैं तो नाइट्रेट्स के अंदर समझते हैं कि नाइट्रेट्स के अंदर ग्लिसरिन ट्रायनाइट्रेट की जिसको हम कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन तो नाइट्रोग्लिसरीन के जो सबलिंग टैबलेट होते हैं वो वाइडली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंजाइनापैक्टोरिस के पेशेंट्स को फिर आइसोस डाइनाइट्रेट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोसोरबाइड डायनाइट्रेट के टैबलेट्स दिज आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट दिज फिर आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट इेट पेंटाइरिथ्रोटोल टेट्रानाइट्रेट एंड एमाइलनाइट्रेट्स तो ये सभी मेडिकेशन को नाइट्रेट्स क्लास के मेडिकेशन कही जाती है कि वो प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनजाइना फैक्टोरिस उसके बाद जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और उसमें भी सिर्फ वेरापेल एंड डिली एजम ही जो है डी एच पी डाइहाइड्रोपीरिडिन क्लास के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जो है लॉन्ग एक्टिंग यूज इन एनजाइना तो सिर्फ वेरापेल एंड डिली एजम ही यूज होते हैं दूसरे हम यूज नहीं करते क्यों नहीं यूज करते तो वो भी जान लीजिए कि सॉर्ट एक्टिंग लाइक निफेडिपिन शुड बी एवॉइडेड बिकॉज दिस कैन एक्यूनिएट द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना बाय कोजिंग टैकेकार्डिया कि उससे जो कंडीशन और खराब हो सकती है टेकेकार्डिया कर सकता है तो ये जो है वो एवॉइड करने चाहिए कि जो शॉर्ट एक्टिंग डाईहाइड्रोपेरिडीन्स जो हम कहते हैं कि लाइक नेफेडिपिन वगैरह उनको जो है वो यहाँ पे एवॉइड करने चाहिए तो सिर्फ वेरापेल डिल्टीजम की जो लॉन्ग एक्टिंग है उनको ही हम यहाँ पे प्रीफर करवाते हैं फिर ब्लीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोप्रानोलॉल एटेनोलॉल एंड मेटाप्रोलॉल तो ये तीन जो बीटा ब्लॉकर्स है वो वाइडली यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना फैक्टोरीज बाय स्लोविंग द हार्ट रेट बाय स्लोविंग द हार्ट रेट बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट एंड रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ एंजाइना अटैक्स इन पेशेंट विथ एंजाइना फैक्टोरीज कि जो हमने स्ट्रैटर्जी बनाई थी थी कि ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करे तो ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करने की जो काम करती है ये बीटा uh, ब्लॉकर्स की जैसे कि एटेनोलोल है प्रोप्रानोलोल एंड मेटापडोलॉल गाइडलाइंस रिकमेंड बीटा ब्लॉकर्स एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन पेशेंट विथ एंजाइना आइदर ऑन देर ऑन और इन ए कॉम्बिनेशन विथ कैल्सियम चैनल ब्लॉकर्स। तो एक इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स फिर समझिए पोटेशियम चैनल ओपनर्स की उसके अंदर मेडिसिन है निकोरंडिल इज द एजेंट दैट कोस कोरोनरी डायलेशन बाय एक्टिवेटिंग मायोकार्डियल इटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल तो पोटेशियम चैनल को ओपन करता है ये समझिए पोटेशियम चैनल ओपनर्स मेडिकेशन निकोरंडिल के टैबलेट्स की जो 5 एम जी या टेन एम की स्ट्रेंथ में आती है तो यूजली शुरुआत की जाती है लोअर डोज से एंड इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग एंड वाइडनिंग ऑवर ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है डायलेट करता है उनको वाइड करता है विच इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट दिस हेल्प टू रिड्यूस द चेस्ट पेन विच कोज बाय द एंजाइना तो ये क्या करते हैं पोटेशियम चैनल को ओपनर ओपन करते हैं एंड एक्टिवेट द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स और वो पोटेशियम चैनल ओपन होने के कारण जो आपके ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी नैरो हो गई थी तो वो हो जाती है रिलैक्स फिर एक ऑप्शन है रैनोलाजिंग uh, तो क्या करता है रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल सेल के अंदर कैल्शियम का फ्लो जो है वो रिड्यूस करता है एंड रेनाल थॉट टू हेल्प टू हार्ट टू रिलैक्स कि हमें पता है कि जब कैल्शियम डिपोजिट होता है तो वो कैल्शियम का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना तो कैल्शियम का एंट्री हम रिड्यूस करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली सामने जो है रिलैक्स हो जाएंगे आपके मसल्स और वहाँ पे समझे कि हार्ट मसल्स है उसके रिलेटेड सेल्स है तो वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड इंप्रूव होगा ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स एंड रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस तो रेनोलाजिन एक्सटेंडेज रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होती है कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है यूजली 500 हंड्रेड एम जी नेक्स्ट है कुछ न्यू मेडिकेशन से लाइक इवाब्राडिन इवाब्राडिन इज ए न्यू ड्रग फॉर एंजाइना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इवा ब्रेडिन हाइड्रोक्लोराइड के जो टैबलेट्स कोरालन 7.5 पॉइंट फाइव एम जी इट इज नोन एज अ ब्रेडिकार्डियक एजेंट उसको क्या कहते हैं ब्रेडी कार्डियक एजेंट एज इट डिक्रीज द हार्ट रेट विदाउट अफेक्टिंग द कंडक्शन और कॉन्ट्रेक्टिलिटी कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी एंड कंडक्शन को अफेक्ट किए बिना ही वो हार्ट रेट को रिड्यूस करता है ब्रेडिकार्डियक ब्रेडिकार्डियक एजेंट कहा जाता है बिकॉज रिड्यूस करता है हार्ट रेट सेकंड जो ऑप्शन है वो है न्यूअर ड्रग है दैट इज फासोडिल इज ए सिलेक्टिव रो आरएचओ और, और रोकाइनेस की जिसको रॉक इनहिबिटर हम कहते हैं यहां पे देख सकते हैं फॉसिडिल हाइड्रोक्लोराइड टेन एमजी स्टोर एट माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस सॉरी स्टोर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और ये जो है वो रिसर्च यूजेस के लिए ही अभी तक अवेलेबल है तो ये खास फॉर रिसर्च यूज ऑनली तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहे हैं कि जो न्यूअर ड्रग है फॉर एंजाइना तो ये जो रिसर्च है वो इसके ऊपर है कि जो रॉक जो हम कहते हैं कि एक एंजाइम है दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन वासो कंस्ट्रिक्शन एंड कार्डियक रिमोडलिंग तो अगर समझो कि ये एंजाइम को हम इनहिबिट कर दे तो अगर जाके जो वासो कंस्ट्रिक्शन होता है उसकी जगह वासो डायलेशन होगा तो उसके ऊपर काम करती है यह मेडिसिन फासोडिस तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए एम के लिए मोस्ट टाइम पे बन सकते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन रिलेटेड एम की तैयारी करते हैं तो ये एम के लिए कि इवा की हम बात करें फैसोडील या फिर जो प्रीवियस ईयर जितने भी पॉइंट्स हमने सीखे दिस ऑल आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एम सी क्यूज एज वेल एज वाइवा एज वेल एज़ जब थियरी के अंदर आपको ब्रीफ नॉट पूछी जाती है या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब नॉलेज भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग जरूर से वीडियो को लाइक करिए कमेंट्स करिए शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है ऐप भी अवेलेबल है फार्मर हाउस का कि जहाँ पे आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर सकते हैं तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट